hope you all are fine and welcome back with aaj main आज मैं आपके साथ एक बहुत interesting, interesting news leke लेके आया हूँ जैसे कि आप सबको अंदाजा है कि पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड का third test शुरू है चल रहा है आई थिंक अभी जब uh, मैं वीडियो पर नारू तब भी मैच लग गया होगा आई थिंक सो टाइम का मुझे नहीं पता एग्जैक्ट लेकिन लगने वाला हो गया लग गया होगा मैच लेकिन पाकिस्तान इज इन वेरी बैड पोजीशन तो बी ने ये एक डिसीजन लिया है और उसने हक को नोटिस दे दिया है कि यार मिबू हक के बाद जैसे आप लोग को अंदाजा है कि उसके बाद दो दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एक वो चीफ़ सेलेक्टर है एक वो हेड कोच ऑफ पाकिस्तान है तो उन्होंने उसको कह दिया है कि यार या तो आप चीफ़ सेलेक्टर रहेंगे या आप हेड कोच रहेंगे तो मतलब उन्होंने कहा है कि यार आप अपनी एक जो रिस्पांसिबिलिटी है उससे खुद रिलीज कर दें आप मतलब खुद छोड़ दें उसको तो मिसबा हक ने भी हामी भर ली है और मिसबा का भी ये सोच रहा है कि यार आइदर के वो चीफ सेलेक्टर रहे कि वो हेड कोच रहे तो जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि जो मिसबु हक है वो छोड़ने वाला है चीफ सेलेक्टर की जॉब और रहेगा हेड कोच अब चीफ सेलेक्टर के लिए जो चार लोग चार उम्मीदवार हैं जिनकी उम्मीद है उनमें शुएब अख्तर आता है वसीम अकरम आता है शाहिद अफरीदी आता है मोहम्मद यूसफ आता है तो ये चार उम्मीदवार हैं देखते हैं कौन आता है जो सबसे स्ट्रॉग कैंडिडेट है वो है आई थिंक सो वसीम अक्रम चारों बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं अपने वक्त के और चारों चीफ सेलेक्टर की जॉब अच्छी तरह से निभा सकते हैं तो होप फॉर द बेस्ट होप फॉर द बेस्ट सच में मैं दो तीन दफ़ा बोलूंगा होप फॉर द बेस्ट पाकिस्तान का फ्यूचर अच्छा हो जो भी बंदा आए अच्छा है हम दुआ करते रहे हैं कि यार पाकिस्तान का हुक्मरान अच्छा है तो हम ये भी दुआ करेंगे कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट की जो हुक्मरान है वो भी अच्छे हैं तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज़